हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे सुबह का चाय बैठा दी हूँ और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैं सिर्फ झाड़ू लगाई हूँ, ब्रश की हूँ और इसके बाद झाड़ू लगा के और मैं अब कर रही हूँ तैयारी बच्चे लोग के स्कूल जाने का। लंच बनाऊँगी, इसके बाद बच्चे लोग को भेज के फिर इसके बाद नाश्ता बनाऊंगी इनके लिए, क्योंकि इनका नाश्ता अलग बनता है, बच्चे लोग का अलग बनता है। क्योंकि जो बच्चे लोग खाते हैं वो ये नहीं खाते हैं, जो ये खाएंगे वो बच्चे लोग नहीं खाएंगे। मतलब कि बच्चे लोग को कुछ आइटम वाला चीज़ चाहिए, ऐसा टाइप रोटी सब्जी पराठा ये सब नहीं चाहिए। तो मैं पहले पी लेती हूँ चाय। मैं और मम्मी चाय पियेंगे, क्योंकि ये चाय नहीं पीते हैं, ये सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं शाम के टाइम। तो अभी हम लोग चाय पी लेते हैं, इसके साथ साथ मैं साथ में ही सब तैयारी करती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके चाय बैठा देती हूँ। इसके बाद मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ बच्चे लोग के लंच के लिए कि क्या बनाऊँगी। रात में ही दिमाग सेट करके रखती हूँ कि क्या बनाना है, तो उस हिसाब से। तो बच्चे लोग बोले थे कि मम्मी पास्ता बना देना सुबह में, तो इसीलिए मैं पास्ता बनाई थी और जलेबी की खरीद कर रखी थी कि जलेबी भी दे देंगी, थोड़ा सा मीठा में हो जाएगा। तो ये इधर मेरा पास्ता भी बन गया और थोड़ा सा जलेबी भी मैंने रख दिया। बस इतना ही खाते हैं, ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। ज़्यादा दे भी देती हूँ तो छोड़ के वापस लंच लोग लेके चला आता है घर पे, तो इसीलिए मैं उतना वो सब नहीं करती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ, मैं बनाऊंगी पाव भाजी बनाने का तैयारी कर रही हूँ। अभी पाव घर पे है नहीं, देखते हैं अगर आ गया तो ठीक है। वैसे मैं अभी भाजी की तैयारी कर रही हूँ कि भाजी बना दूँ, तो उसी के लिए मैं यहाँ सारी सब्जियाँ काट के रख दूँगी। पहले ही मैंने मटर छील के रख लिया था। और वैसे मैं विंटर में आपको बता दूँ तो मैं पहले ही कुछ कुछ तैयारी करके, जैसे धनिया पत्ता धो के काट के रख देती हूँ, मटर छील के रख देती हूँ और इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा तैयारी करके रख देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख देती हूँ, मेरा काम आसान हो जाता है तो इस तरीके से मैं करती हूँ। लेकिन अभी ये सब मैं तैयारी नहीं की थी क्योंकि मैं चली गई थी कहीं और शाम में, तो इसलिए ये सब नहीं हो पाया। तो मैं बना रही हूँ भाजी, तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, आलू सब कुछ छील के मैंने काट के, बीन्स सब मैंने कुकर में डाल के बॉईल कर लिया है और इसको हम मैसर से मैश कर देंगे अच्छे से। और इसके साथ मैं इधर थाली में तड़का लगाने के लिए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, मटर और टमाटर ये सब मैंने काट के रख लिया है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी, अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डाल सकते हैं, लेकिन अभी बटर नहीं है मेरे पास तो मैंने घी डाल दिया है। घी से भी वैसे ही टेस्ट आता है। तो इसके साथ मैंने डाल दिया जीरा, लहसुन और हरी मिर्च, जब ये तड़क जाएगा तो डाल देंगे प्याज और इसको भून लेंगे अच्छे से। फिर इसके साथ हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि उससे उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें तो वैसे भी भाजी में कलरफुल रेड थोड़ा अच्छा लगता है, तो कश्मीरी मिर्च से ही कलर आ जाता है इसका अच्छा सा। और थोड़ा सा लाल लाल टमाटर आप इसमें डाल दीजिए तो कलर अच्छा आ जाता है। तो पहले इसको हम प्याज को भून लेते हैं अच्छे से। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. तो यहाँ पे मेरा प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक सब भुन गया है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1.5 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा जितना आपको रखना है। मैं कलर के लिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डाली हूँ। और थोड़े से मसाले हमारे भुन जाएंगे तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा बीन्स और मटर, क्योंकि मटर हम बॉयल नहीं करते हैं क्योंकि मैसर से उसमें अच्छे से मैश हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, कलरफुल अच्छा लगता है। थोड़ा मटर ऊपर से ही हम डालते हैं
और इसके साथ ही हम मैंने यहाँ पे दो टमाटर काट के डाल दिया है। आप इसको ग्राइंड भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काट के डाल दिया और नमक डाल दिया तो ये अच्छे से गल गया था। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 2.5 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला, क्योंकि पाव भाजी मसाला ही मेन है इसमें, इससे ही टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है भाजी वाला। तो इसमें हमने डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। इसके साथ जो मैंने मैश करके रखा हुआ था, जितनी सब्जी थी मेरी, तो मैं मैश कर ली हूँ और मैशर से, और इसमें डाल के मैं अच्छे से मिला लूँगी। इसके बाद अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाला था, इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। इसके साथ थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ा सा 1-2 बॉयल आ जाए। जब आ गया 1-2 बॉयल, तब हम इसको कढ़ाई गैस को बंद करके तब हम इसमें नींबू डालेंगे, नहीं तो कड़वापन आ जाता है इसमें थोड़ा सा। और इसके साथ ही मैंने बहुत सारा धनिया पत्ता डाल दिया। इसके साथ मैंने थोड़ा सा बटर था मेरे पास, तो मैंने बटर डाल दिया, 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया। और ये हमारा भाजी बहुत ही टेस्टी बना था भाजी, हमारा बन के रेडी हो गया है। इसके बाद खाना पीना हो गया, चले गए पतिदेव जी अपने ड्यूटी। इसके साथ हम मम्मी भी नाश्ता कर लिए हैं और इसके बाद हम आ गए हैं थोड़ा छत पे धूप सेकने। और छत पे आके मैंने यहाँ कपड़ा भी फैला दिया है और मूली था बहुत सारा, तो धो के यहाँ मूली भी मम्मी लाई है कि मूली का अचार डाल देंगी। और यहाँ पर पानी थोड़ा सा भर के डाल देंगे प्लांट में, थोड़ा सा यहाँ प्लांट है ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा। तो चलिए, हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।